आईकू कायकू आज इसी का आंसर हम इस वीडियो में देने वाले हैं। व्हाट्स अप टेक पैरासाइट्स, दिस साइड सूरज मिश्रा। आज हम डिस्कस करेंगे आईकू Z7 5G। जो कि बहुत ही पॉपुलर फोन चल रहा है अभी के समय में एंड काफी बजट फोन है विच कम अंडर। आज हम देखेंगे इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, इसके क्या प्रोज हैं एंड क्या कॉन्स हैं, और लास्ट में क्या आपके लिए यह फ़ोन अच्छा है, क्या आपको ये बाय करना चाहिए कि नहीं। इस फ़ोन के जो बेस्ट बाइंग लिंक्स हैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट के, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। नाउ अगर इसके फीचर्स की बात करें तो कंपनी क्लेम करती है कि इसमें आपको फ्लैगशिप लेवल के फीचर्स मिलते हैं एंड इन माई एक्सपीरियंस ऑल्सो इसमें जो फीचर्स मुझे देखने को मिले वो लिटरली काफ़ी अच्छे हैं एंड कैन बी कम्पेयर टू फ्लैगशिप लेवल एज वेल। सो इसमें आपको 8-bit AMOLED पैनल देखने को मिलता है जो कि 84% उसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है एंड इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। इसके पैनल का जो रिफ्रेश रेट है वो है 90Hz का। इसमें आपको डायमेंसिटी 920 चिपसेट देखने को मिलता है, जो इसका प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन 768G से बेटर परफॉर्म करता है एंड 778G से थोड़ा सा लो परफॉर्मेंस है, तो आपको यहाँ से आइडिया लग गया होगा इसका प्रोसेसर किस लेवल का है। इसमें आपको मिलता है 64MP का OIS कैमरा एंड ये 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है 60fps पे। ये करंट में जो वीडियो आप देख रहे हैं ये इस मोबाइल से ही शूट हुआ है, अभी फिलहाल ये 4K 30fps पे रिकॉर्ड हो रहा है, तो यहाँ से आपको आइडिया लग रहा होगा कि कैसी इसकी वीडियो क्वालिटी है। इसमें 44 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है जो कि आपके फोन को विद इन 25 मिनट्स 50% तक चार्ज कर देगा एंड अगर इसकी बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलता है 4500mAh की बैटरी। 4500 बैटरी बैकअप वर्थ इट है कि नहीं, इसके हम प्रोज एंड कॉन्स वाले सेक्शन में डिस्कस। सो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। इसमें आपको 5G मिलता है जिसमें 6 बैंड्स आपको देखने को मिलते हैं 5G के एंड इसमें वाईफाई 6 भी देखने को मिलता है। इसमें आपको एंड्रॉइड 13 देखने को मिलता है विद फन टच ओएस 13 जो कि बेसिकली वीवो का यूआई है। एज यू नो वीवो इसका पेरेंट ब्रांड है। सो अब हम इसके प्रोज की बात कर लेते हैं। तो ये जो फोन है बहुत ही बैलेंस्ड फोन है और इसमें बहुत ही आपको अच्छे अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम अगर फ़ोन की बात करें तो ये बहुत ही लाइट वेट फ़ोन है, इसका जो वेट है मात्र 170 grams है। बिकॉज ऑफ दैट इन हैंड फील जो है वो काफ़ी अच्छा लगता है, पकड़ने में काफ़ी अच्छा लगता है, लाइट वेट है तो गेमिंग में भी काफ़ी आरामदायक हो जाता है। वीडियोग्राफी अगर आप व्लॉगिंग करते हैं तो उस केस में भी जो लाइट वेट है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसमें आपको सारे नेसेसरी एसेसरीज देखने को मिल जाती हैं एंड सारे नेसेसरी पोर्ट्स भी देखने को मिल जाते हैं। जी हाँ, आज के टाइम में ये भी बहुत बड़ी बात है, अगर आपको डब्बे में चार्जर देखने को मिलता है और अगर एक बैक कवर देखने को मिल रहा है तो वो आज के टाइम में बहुत बड़ी बात है, बिकॉज बहुत सी कंपनियां कॉस्ट कटिंग कर रही हैं इस फील्ड में। सेकंड, अगर पोर्ट्स की बात करें तो उसमें जो भी नेसेसरी पोर्ट्स होते हैं जैसे कि आपका 3.5mm जैक हो गया, आपका USB टाइप सी जैक हो गया, राइट, ये जो भी नेसेसरी पोर्ट्स हैं वो सारे आपको इसमें देखने को मिलते हैं। अगर इसके डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले भी इसका काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। AMOLED के साथ साथ इसमें जो कलर एक्यूरेसी है वो काफ़ी बेहतरीन है एंड इसका जो PPI है पिक्सल पर इंच, एक इंच में कितने पिक्सल्स हैं, इसमें आपको 412 पिक्सल्स देखने को मिलते हैं। इसमें आपको HDR का भी सपोर्ट मिलता है, तो आपको गेमिंग करने में एंड वीडियो कॉन्टेंट देखने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। अगर इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो इसका गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन है। कई घंटे यूज करने के बावजूद भी इसमें मुझे फ्रेम ड्रॉप्स देखने को नहीं मिला एंड BGMI आप आराम से हाई सेटिंग्स में इस पर खेल सकते हैं। इसका जो Antutu स्कोर है वो मोर देन 4 lakh है, तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितना कैपेबल इसका प्रोसेसर है। नाउ इसमें कोई डेडिकेटेड कूलिंग सिस्टम नहीं दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद इसमें कोई हीटिंग इश्यू देखने को नहीं मिलता है। चाहे आप काफ़ी देर तक गेमिंग करें, चाहे आप काफ़ी देर तक वीडियो रिकॉर्डिंग करें, ऐसा मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ अपने पर्सनल यूज़ में। अगर इसके कैमरा की बात करें तो कैमरा इसका बहुत ही बेहतरीन है, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें आपको OIS मिलता है, तो OIS की वजह से इसका जो वीडियो का क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा निकल के आता है। HDR मोड में काफ़ी अच्छे फोटोज़ निकालता है ये एंड अदर देन दैट इसका जो नाइट मोड है वो बहुत ही क्रेजी लेवल का है। इसमें आपको रात में बहुत ही हाई क्वालिटी पिक्चर्स देखने को मिलता है, चाहे कितना भी पिच ब्लैक क्यों ना हो एरिया, आपको ये क्लियर फोटो निकाल के देगा। एंड अदर देन दैट इसमें आपको सारे बेसिक मोड्स देखने को मिल जाते हैं। अगर आप एक व्लॉगर हैं तो आपके लिए इसका कैमरा बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, बिकॉज आप में 4K के अलावा, 4K 30fps तो मिलता ही है, इसके अलावा जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आप बैक कैमरा और फ्रंट कैमरा में
स्वैप कर सकते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम, आपको वीडियो पॉज करने की या बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है अगर आप व्लॉगिंग करते हैं इन दैट केस। तो वन मोर गुड फीचर जो मुझे इसका लगा कैमरा में, वो है कि जब आप वीडियो कॉलिंग करते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप कॉलिंग हो, चाहे गूगल ड्यूओ पे आप कॉल कर रहे हो, चाहे मीट पे कर रहे हो, इन दैट केस वहाँ पे एक फेस ब्यूटी का ऑप्शन मिलता है, एक फेस ब्यूटी का मोड मिलता है बेसिकली। तो जैसे ही आप उस पर टैप करेंगे तो आपका चेहरा गोरा कर देगा बेसिकली। इस कैमरा को रेसिस्ट मत समझिएगा। लेकिन कुछ और बढ़िया बातें हैं जो इसमें मुझे लगी, वो है आपको इसमें 2 साल का एंड्रॉयड अपडेट देखने को मिलता है और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट। सो करंट ये एंड्रॉयड 13 पे आता है, तो एंड्रॉयड 14 तक आपका ये जाएगा, एंड ऑफ कोर्स 3 साल की सिक्योरिटी अपडेट भी आपको मिल रहा है, तो अच्छी बात है। इसमें आपको यूआई में लॉट ऑफ कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो आप आइकन्स का चेंज करना हो, कलर चेंज करना हो, आइकन स्टाइल चेंज करना हो, यूआई को आप नेक्स्ट लेवल पे चेंज कर सकते हैं, इतनी कस्टमाइजेशन फीचर आपको देखने को मिलते हैं। यूआई है वो काफी मुझे अच्छा लगा पर्सनल यूज में। अगर आप अपने फ्रेंड का या गर्लफ्रेंड का साइलेंटली कॉल रिकॉर्ड करना चाहते हैं, इन दैट केस वो भी आपको इसमें करने को मिल जाता है। जी हाँ, इसमें आपको जरूर गूगल डायलर मिलता है, बट वो आप सेटिंग में जाके चेंज कर सकते हैं। एंड इसमें हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलता है, तो आप इसमें मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। इसमें आपको एक्सटेंडेड रैम 3.0 देखने को मिलता है। अगर आपने बाय किया है 6GB रैम वेरियंट, इन दैट केस आप 6GB और एक्सटेंड कर सकते हैं वर्चुअली, तो आपका 6+6 12GB का रैम हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप 8GB रैम वेरियंट बाय करते हैं, इन दैट केस आप 8GB और एक्सटेंड कर सकते हैं वर्चुअली, सो इन दैट केस आपका 8+8 16GB का रैम हो जाएगा। सो ये काफ़ी बेहतरीन चीज़ है। अब देखिए, कोई भी प्रोडक्ट हो, खासकर स्मार्टफोन की जब हम बात करते हैं, तो उसमें कॉन्स जरूर होते हैं, कोई भी फ़ोन परफेक्ट नहीं होता है, चाहे किसी भी हम बजट रेंज की बात कर लें तो। सो इसमें भी अंडर 20,000 इस बजट रेंज में कुछ कॉन्स इस फ़ोन में देखने को मिलते हैं, लेकिन बहुत कम कॉन्स हैं इसमें जो कि ग्राउंड ब्रेकिंग बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहले, ये मोस्टली आउट ऑफ स्टॉक रहता है। जी हाँ, बिकॉज ये न्यू लॉन्च है, तो बहुत कम ही ये आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट देखने को मिलेगा। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, तो बीच बीच में आप जरूर चेकआउट करते रहिए, एंड जब भी ये अवेलेबल हो जाए आप उस टाइम बाय कर सकते हैं। नाउ जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, इसमें आपको नॉच देखने को मिलता है। सो आई थिंक दिस इज बिट ओल्ड फैशन। अभी के टाइम में पंच होल मेन स्ट्रीम है, एंड बेसिकली जो साइड पंच होल है वो काफी अच्छा लगता है देखने में, एंड वो काफी प्रैक्टिकल भी है। पर्सनली मुझे लगता है कि साइड पंच होल जो है वो सेल्फी में और वीडियो कॉलिंग में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। अनदर कॉन, इसमें आपको सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है, इसमें मोनो स्पीकर है बेसिकली, आपको स्टीरियो स्पीकर नहीं मिलता है। अगर स्टीरियो स्पीकर रहता तो एक अलग ही नेक्स्ट लेवल पे इसका साउंड क्वालिटी चला जाता है स्पीकर का, बट डिस्पाइट दैट इसका जो स्पीकर की क्वालिटी है वो काफी अच्छी है, आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। नाउ आईक्यू ने इसको बजट फोन बनाने के चक्कर में कुछ कॉस्ट कटिंग्स भी की हैं, और जो कॉस्ट कटिंग्स हैं वो आपको सेंसर्स में देखने को मिलती हैं। तो जैसे कि इसमें आपको एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर नहीं देखने को मिलता है, राइट, जो बेसिकली हम फोन को जब कान के पास लेके आते हैं तो डिस्प्ले अपने आप ही बंद हो जाता है कॉलिंग के टाइम। इसमें आपको जेस्चर बेस्ड प्रॉक्सिमिटी देखने को मिलता है, सो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। अनदर थिंग, कंपनी इसको बोलती है फ्लैगशिप लेवल फोन, बट इसमें फ्लैगशिप लेवल फोन वाली कई चीजें नहीं है। सो कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट नहीं देखने को मिलता है, सो बिकॉज ऑफ दैट अगर आप हाई स्पीड इंटरनेट के लवर हैं, अगर आप अपने इंटरनेट की स्पीड को बूस्ट करना पसंद करते हैं, इन दैट केस आपको वो फीचर इसमें नहीं मिलेगा। अदर देन दैट, इसमें आपको इंफ्रा रेड रिमोट कंट्रोल वाला भी सेंसर नहीं देखने को मिलता है, सो आई थिंक दिस इज नॉट गुड। इसमें ये बेसिक सेंसर तो दिया जा सकता था। नाउ बिकॉज ऑफ दिस, आपकी जो होम अप्लायंसेस हैं उसको आप अपने फ़ोन से नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। अगेन, फ्लैगशिप लेवल वाली बात कि NFC इसमें आपको नहीं देखने को मिलता है। सो यही थे कुछ बेसिक्स कॉन्स में, एंड आई थिंक ये ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं है, डिस्पाइट ऑल दीज कॉस्ट कटिंग्स ये एक अच्छा फ़ोन है। सो शुड यू बाय दिस फ़ोन? एज पर माई एक्सपीरियंस, मैं तो रिकमेंड करूँगा कि जी हाँ बिल्कुल, आपको इस फ़ोन को बाय करना चाहिए। बिलो 20,000 ये एक बहुत ही बैलेंस्ड और बढ़िया फ़ोन है, बहुत ही वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है। आई विल से, अगर आप एक बजट गेमिंग फ़ोन ढूंढ रहे हैं, या फिर अगर आप एक कॉन्टेंट क्रिएटर हैं, आप वीडियोज़ बनाते हैं, आप व्लॉगिंग करते हैं, या फिर आप ओवरऑल एक बैलेंस्ड फ़ोन देख रहे हैं, दैट केस ये फ़ोन आपके लिए है, और आपको ज़रूर बाय करना चाहिए इस फ़ोन को। इस बजट रेंज में अगर हम बात करें, जो बाकी आने वाले फोन्स हैं जैसे कि नोट CE 2 लाइट, CE 3 लाइट, रियलमी नार्जो 50 प्रो, रेडमी नोट 10 प्रो, पोको X5, इन सबसे ये बेटर फोन है। सो दिस फोन इज हाईली रिकमेंडेड, जरूर जा सकते हैं आप इसके साथ। जो भी बेस्ट बाइंग लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, जरूर चेकआउट कीजिए। और अगर आप उस लिंक के थ्रू बाय करते हैं इस फोन को या किसी भी और प्रोडक्ट को, तो इस चैनल को सपोर्ट मिल जाएगा बिना आपका MRP बढ़ाए।
सो जरूर चेकआउट करें। सो कैसा लगा आपको ये वीडियो, इसका फीडबैक जरूर दें कमेंट्स में, एंड इस वीडियो को थम्स अप जरूर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन अनदर वन।